सेक्स लाइफ एक अमेरिकन ड्रामा स्ट्रीमिंग टेलीविजन सीरीज है। 44 चैप्टर्स नामक नॉवेल पे आधारित ये सीरीज स्टेसी रक्याजर ने क्रिएट की है, जो कि 2021 में नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई थी। सीरीज का पहला एपिसोड है द वाइब्स आर इन कनेटिकट। कनेटिकट एक एल्गोनिक शब्द है जिसका मतलब होता है तूफानी नदी की भूमि। एपिसोड की कहानी फ्लैशबैक के एक दृश्य से शुरू होती है, जहां बिली नामक लड़की एक लड़के के साथ सेक्स कर रही है। फ्लैशबैक खत्म होता है और वही लड़की अब अपने बच्चे के साथ बेड पे लेटी हुई है। उसका दूसरा बेटा आता है, जिसका पीछा करते हुए वो बाहर गार्डन में जाती है। उसका बेटा कहता है, माँ देखो मैंने एक तितली फंसाई है। बिली कहती है, बेटा उसे आज़ाद कर दो। उसका बेटा कहता है, नहीं ये मेरी गर्लफ्रेंड है, मैं इसे नहीं छोड़ सकता। इतने में उसका पति आ जाता है, वे थोड़ी बहुत बात करते हैं। बिली के वॉइस ओवर में उसके पति का व्यक्तित्व है कि वो बहुत साफ सुथरा इंसान है, किसी लड़की को आंख उठाकर भी नहीं देखता। उसे खुशी होनी चाहिए, पर उसकी बात पूरी होती उससे पहले उसका पति ऑफिस के बारे में बात करने लगता है। बिली ने कामसूत्र की 73 पोजीशंस में से कोई भी पोजीशन नहीं छोड़ी, यानी अपने जवानी के दिनों में उसने अलग अलग लड़कों के साथ सेक्स किया है, यानी उसकी सेक्स लाइफ बहुत सुखद रही है। पर उसने कूपर से इसलिए शादी की क्योंकि वो इकलौता था जो सही मायने में उसकी कदर करता था। कूपर उसे एक घर में ले जाता है, उसके लिए खाना बनाता है, पेरेंट्स का दिल जीतने में माहिर है, लोगों की परवाह करता है, वेल बिल्ट, हैंडसम, पैसे वाला, यानी एक परफेक्ट मर्द है जो किसी लड़की को चाहिए। बिली चाहती है कि वो जितने भी जन्म ले यही लड़का उसे मिले, चाहे बदले में बिस्तर पे वो उसकी जान निकाल दे, पर यही तो उसके लिए सबसे बड़े दुख की बात है। 73 पोजीशंस एक्सप्लोर कर चुकी लड़की को 18 महीने में कूपर एक बार भी बेड पे खुश नहीं कर पाया, जबकि कूपर पहले ऐसा नहीं था। पर दो बच्चे होने के बाद उसका इंटरेस्ट पैसे और काम में बढ़ गया और बिली को मिली तड़प। बिली अपने दोस्त साशा को फ़ोन लगाती है और कहती है कि मुझे लगता है मैं खुश नहीं हूँ, क्योंकि अभी जिस औरा में हूँ कभी नहीं होना चाहती और मैं सिर्फ उसके बारे में सोच रही हूँ। वो ब्रेड के बारे में बात करती है। उसकी दोस्त कहती है उससे सिर्फ शारीरिक चोट और धोखा ही मिलेगा और बसा बसाया घर उजड़ जाएगा। बिली अपना लैपटॉप खोलती है, अपने पुराने दिनों को याद करती है और अपनी सेक्स की तड़प को लिखती है, जब वो अपनी दोस्त साशा के साथ हर सैटरडे नाइट स्ट्रीट कैफे जाती थी, जहाँ साशा कैफे के बीजे के साथ सेक्स में मशगूल हो जाती है, इसलिए बिली को अकेले घर निकलना पड़ता है। और स्ट्रीट पे उसे मिलता है एक रिकॉर्ड कंपनी का मालिक, जवान हैंडसम लड़का ब्रैड। ब्रैड उसे अपनी कार में घर छोड़ने जाता है। कार में वो शाशा और बिली की दोस्ती और कॉलेज के बारे में बात करते हैं और फिर वो लड़का उसे बिली के घर न ले जाकर अपने घर ले जाता है, अपना घर दिखाता है। बिली उस पर मुग्ध हो जाती है। दोनों टॉप फ्लोर पे स्विमिंग पूल में सेक्स करते हैं। न्यूयॉर्क सिटी में वो रात बिली के लिए यादगार बन जाती है। कूपर बिली के लैपटॉप में उसका लेख पढ़ लेता है और कहता है, तुम यही चाहती हो ना, तुम सिर्फ मेरी हो, याद रखना। स्टेशन पे उसे एक औरत मिलती है जो बिली से उसके दुखी होने का कारण पूछती है। बिली उस औरत के सामने दूसरा बहाना मारकर निकल जाती है। वो भागती हुई साशा के घर जाती है। घर में घुसते ही एक गिलास दारू पीती है। वो अपनी कोई बात बयां कर पाती उससे पहले देखती है ब्रैड साशा के बेडरूम से आ रहा है, आधा नंगा। उसने कभी ये कल्पना नहीं की थी। ये देखकर वो तेजी में वहां से निकल जाती है। ये थी एपिसोड 1 द वाइफ्स आर इन कनेटिकट की कहानी। स्टेशन पे ट्रेन के इंतजार में बैठी बिली ब्रैड के ख्यालों में डूब जाती है। उनके बीच हुए सेक्सुअल मूवमेंट उसके जेहन में चल रहे हैं, बहुत गहरे, इतने कि बैठे बैठे वो गीली हो चुकी है, जिसका उसे अंदाज़ा नहीं है। एक बुढ़िया आकर बिली से कहती है कि वो गीली हो चुकी है। बिली बैग से अपने स्तन ढकती है और बाथरूम जाती है। शाशा बिली को ढूंढते ढूंढते बाथरूम आती है। बिली ने आखिरी रात ब्रैड के बारे में अपनी चाहत बयां की थी।
उसने कभी इस बात की कल्पना नहीं की थी कि उसकी दोस्त और ब्रैड को एक दिन वो इस हाल में देखेगी। पर इसमें शाशा की भी गलती नहीं है, क्योंकि 6 साल से ब्रैड और बिली अलग हैं और ब्रैड से ब्रेकअप के बाद बिली ने कूपर से शादी भी कर ली थी। ऐसे में ब्रैड और शाशा का सेक्स करना कोई धोखा नहीं है। बिली इस बात को समझती है और वो शाशा को बताती है, कल रात कूपर ने ब्रैड के बारे में लिखा लेख पढ़ लिया और गुस्से में किचन में ही टेबल पर लिटाकर उसके साथ रफ सेक्स किया। इस दौरान बिली को ओल्गा का फ़ोन आता है। बिली अपने बेटे हुडसन से कहती है कि वो जल्द ही घर पहुंचने वाली है, वो परेशान ना हो। ट्रेन में बैठे बैठे बिली फिर से एक बार अपने पास्ट की कहानी लिखना शुरू करती है, कैसे कूपर बिली की ज़िंदगी में पहली बार आया था। ये बड़ा रोचक था। शाशा और बिली जब कहीं जा रही थीं, तब एड्रेस पूछने के बहाने उसने बिली को छेड़ा था और बिली इस बात को समझ गई थी। चूंकि दोनों को एक तरफ ही जाना था, तब कूपर ने सेमिनार के लिए बिली को अपने साथ ले लिया। कूपर की स्पीच से बिली काफ़ी इम्प्रेस हुई और फिर दोनों ड्रिंक के लिए क्लब गए। इस पूरी घटना के दौरान बिली ने तय कर लिया था कि कूपर ही उसके सपनों का राजकुमार है। तभी वहाँ कूपर की एक्स गर्लफ्रेंड आ जाती है। बिली का दिल टूटता उससे पहले कूपर बताता है कि उसकी एक्स गर्लफ्रेंड की शादी हो चुकी है। चूँकि बिली अपना इम्प्रेशन ख़राब नहीं करना चाहती थी, इसलिए उसने कूपर से कभी अपनी पर्सनल लाइफ का जिक्र नहीं किया। ट्रेन अब अपने मुकाम पे आ चुकी है, इसलिए बिली लिखना बंद करती है और अपने घर की तरफ जाती है। बच्चों के साथ समय बिताती है। कूपर आज बिली के लिए एक ड्रेस लाया है और आज शाम को बिली उसके साथ एक एडवेंचरस ट्रिप पे जाने वाली है। ड्रेस पहनने के दौरान बिली जब आईने में खुद को देखती है तो उसे अपनी जवानी फिर से लौट आने जैसा महसूस होता है। कैसे मुलाकात के दूसरे ही दिन ब्रैड उसकी तरफ खींचा चलाया था और उसने लेक्चर के बाद बिली को प्रपोज किया था। बिली का ध्यान टूटता है, वो तैयार होकर नीचे जाती है। सब बिली की सुंदरता की तारीफ करते हैं। बिली और कूपर बच्चों को बिली की दोस्त की देखरेख में छोड़कर पार्टी के लिए जाते हैं। क्लब में कूपर बिली के लिए शराब लेने जाता है। इस बीच बिली की नज़र एक कपल पर पड़ती है जो चुम्मा चाटी कर रहे हैं। ये दृश्य उसे अपने और ब्रैड के बारे में सोचने पर मजबूर कर देता है। उसे याद आती है वो तूफानी रात जब ब्रैड मेट्रो की पटरी पर उतर जाता है और बिली को भी खींच लेता है। सिर्फ 7 मिनट है उनके पास उस कॉनल को क्रॉस करने के लिए, नहीं कर पाए तो अगली ट्रेन उन्हें कुचल देगी। पर ब्रैड उन रास्तों का खिलाड़ी है। ट्रेन गुजरती ज़रूर है पर वो उन्हें कुचल नहीं पाती। ब्रैड की अदाकारी से इम्प्रेस होकर बिली कॉनल में ही उसके साथ चुम्मा चाटी करने लगती है। वो एहसास बिली के लिए यादगार बन जाता है। बिली खुद को ये सब सोचने से रोकती है। वो कूपर के साथ ड्रिंक पीती है और फिर वे डांस करते हैं। उस डांस के बाद कूपर बिली को एक सरप्राइज घर में ले जाता है, जहां पूल में वो दोनों एंजॉय करते हैं नंगे। उस घर का मालिक आ जाता है और दोनों को वहां से भागना पड़ता है। वो घर बहुत ही बड़ा था, किसी बेहद अमीर आदमी का। तुरंत ही उसके पीछे पुलिस लग जाती है। कूपर पुलिस को चकमा देने में कामयाब हो जाता है, बिली को सुरक्षित घर लेके आता है। बिली के लिए बड़े अरसे बाद ये एक एडवेंचरस रात थी। बिली शाशा को कॉल करके सारी कहानी बयां करती है और कहती है कि कूपर ने आज वापस उसे जिंदा कर दिया। डिटेल में एक एक बात बताती है। ट्रेन में बिली द्वारा लिखे अगले पन्ने भी कूपर पढ़ लेता है, जिसमें बिली और ब्रैड की अंतर्वासना का जिक्र है, पर इस बार वो खुद पर काबू रखता है। बिली को कॉल आता है, उसे लगता है ये शाशा का है, पर असल में वो कॉल ब्रैड का था, जो अब तक बिली को नहीं भूल पाया है। और ये जानते हुए भी कि बिली शादीशुदा है, ब्रैड बिली को अपनी ज़िंदगी में लौट आने को कहता है। कूपर बिली का लिखा जर्नल तीसरी बार पढ़ता है, जिसमें ब्रैड और बिली की अंतर्वासना का जिक्र है। बाथरूम से निकलकर अपने छोटे बेटे को दूध पिलाती है और फिर से अपना जर्नल लिखने लगती है और उन पलों को लिखती है जब उसने ब्रैड को सोते वक्त नंगा फिल्माया था। कूपर इंटरनेट पर ब्रैड की प्रोफाइल देखता है। उसी दौरान उसकी बॉस उसे बुलाती है पूरे ऑफिस के लोगों के सामने। वो लेटेस्ट प्रपोजल के सबमिशन के लिए सबकी तारीफ करती है और कहती है कि कूपर का प्रपोजल सेलेक्ट हो गया है, वो बेस्ट है। चूंकि उसके प्रोजेक्ट में दूर की सोच है, अतः उस पर भविष्य में काम होगा। बिली हुडसन को छोड़ने स्कूल आती है। हुडसन की टीचर ये कहकर बिली को स्कूल में ही रोक लेती है कि अभी हुडसन का वहाँ मन नहीं लग रहा।
अतः जब तक वो क्लास में कंफर्टेबल ना हो जाए बिली वहाँ हुडसन के साथ रह सकती है। मीटिंग के बाद कूपर ब्रैड से मिलने ऑफिस जाता है। ठीक उस वक्त ब्रैड वहाँ से निकलता है। कूपर ब्रैड को फॉलो करता है। वे एक कॉमन वर्क स्पेस में प्रवेश करते हैं। कूपर ब्रैड के लिए अनजान है। वो उससे बात तो करना चाह रहा है पर उसे कोई बहाना नहीं मिलता। वर्कआउट के बाद कूपर ब्रैड को फॉलो करता हुआ एक शेयर्ड बाथरूम में जाता है। बिली हुडसन के स्कूल में बैठी बैठी ब्रैड के बारे में सोच रही है। उसे वे पल याद आते हैं जब 25 फ्लोर बिल्डिंग पर चढ़ते चढ़ते ब्रैड ने उसे लिफ्ट में फिंगरिंग की थी और उसे ऑर्गाज्म करवाया था। वो शाशा को कॉल करती है। उसकी आंखें भरी हैं। वो शाशा से कहती है कि वो अब भी ब्रैड को याद कर रही है। ब्रैड उसके जहन से नहीं निकल पा रहा है पर उसे इस बात से भी एतराज़ नहीं है अगर शाशा और ब्रैड सीरियसली डेट भी करें। ब्रैड एकदम सनकी है और लड़कियों का इस्तेमाल करता है। जब बिली ब्रैड के साथ उसकी माँ से मिलने गई थी तब वहाँ ब्रैड के स्टेप फादर आ गए थे जिन्हें ब्रैड बिल्कुल पसंद नहीं करता था। ब्रैड और उसके स्टेप फादर के बीच बहस होती है और ब्रैड उन्हें कांच का गिलास फेंक कर मारता है। तब वे बिली से कहते हैं कि इसकी आदत है लड़कियों को फंसाना, उनके साथ सेक्स करना और फिर उन्हें छोड़ देना। ऐसा उसने सैकड़ों लड़कियों के साथ किया है। ब्रैड बिली को लेकर घर से निकलता है और बिली को घर जाने को कहता है। बिली जब उससे बात करती है तो ब्रैड बहुत गुस्से में कहता है, वो बुढ़ा सही था और मैं तुम्हारे साथ भी ऐसा ही करूँगा। बिली को बहुत जलील करता है और उसे रोड पर छोड़कर ही चला जाता है। बिली शाशा के सामने बैठी बैठी रो रही है। शाशा उसे समझाती है कि चलो अच्छा हुआ अभी उसकी असलियत सामने आ गई, अब तू उसे दूर रहना। ब्रैड रोड पे खड़े होकर बिली के लिए आवाज लगाता है। बिली के रिस्पॉन्स न करने पे वो एक बोतल शाशा के घर के कांच पे मारता है। शाशा के लाख मना करने के बाद भी बिली उससे मिलती है। अपनी चिकनी चुपड़ी बातों का जाल फेंक कर ब्रैड बिली को मना लेता है। इतनी बेइज्जती के बाद भी बिली मान जाती है। आज शाम बिली कूपर को पिक करने जाती है। ये कूपर के लिए बड़ा अचरज भरा था। वो खुश हो जाता है। देर रात बिली के पास ब्रैड का कॉल आता है। ब्रैड अब भी बिली को चाहता है। बिली खुद पर काबू रखती है। ब्रैड से कहती है कि वो अपनी शादीशुदा जिंदगी से खुश है। अब ब्रैड के चाहने ना चाहने से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। ब्रैड वीडियो कॉल करता है। कहता है तुम्हें सच में फर्क नहीं पड़ता, अभी पता चल जाएगा। वो वीडियो कॉल चालू रखता है और फोन को टेबल पे रख देता है जिसमें बिली सामने का दृश्य देख पा रही है। जैसे ही शाशा बाहर आती है ब्रैड दरवाजे पे ही शाशा के साथ सेक्स करने लगता है। बिली अपने जर्नल में शाशा और अपनी गहरी दोस्ती के बारे में लिख रही है। कभी उनके बीच कोई दरार नहीं आई। इसके तौर उन्होंने कई बार साथ में स्ट्रेंजर्स के साथ बैठ तक शेयर किया है। वे अपना असाइनमेंट लिखती हैं और लाइफ को साथ साथ खुशी खुशी जीती हैं। कूपर के वहाँ आ जाने के कारण बिली जर्नल लिखना बंद कर देती है। वो नहाने के बहाने अपना लैपटॉप उठाती है और अपने कमरे में चली जाती है। जर्नल को वो एक वर्क फोल्डर में डाल देती है ताकि कूपर उसे पढ़ ना पाए। कूपर अपने दोस्त डेवोन से कहता है कि वो मीटिंग अटेंड नहीं कर पाएगा क्योंकि उसे हुडसन के स्कूल जाना है, जबकि कूपर हुडसन के स्कूल न जाकर ब्रैड के ऑफिस जाता है। ब्रैड को जब वो अपना परिचय देता है पर ब्रैड उसे पहले से ही जानता है। कूपर ब्रैड को अपनी पत्नी बिली से दूर रहने को कहता है। बिली हुडसन के स्कूल में अपनी दोस्त से मिलती है। हमेशा की तरह दोस्त के बाहर जाने के इनविटेशन को बिली नकार देती है पर जैसे ही उसे ब्रैड का मैसेज आता है उसे वो पुराने दिन याद आ जाते हैं और बिली हुडसन को स्कूल छोड़कर उसके साथ जाने को राजी हो जाती है। शहर घूमते घूमते उसे शाशा के साथ बिताए पल याद आते हैं। अपने जवानी के दिनों की याद उसे भावुक कर देती है। वहाँ ब्रैड आता है। पास के टैटू पार्लर में एक टैटू गुदवाता है जिसमें दो कीड़े हैं। ब्रैड कहता है इसमें एक बिली है और एक ब्रैड। बिली ब्रैड की बात से भावुक हो जाती है। उसकी आंखें भर आती हैं। उसका ध्यान टूटता है जब उसकी दोस्त वापस आ जाती है। वे बिली से उसके उदास होने का कारण पूछती हैं। बिली अपनी पुरानी लाइफ का जिक्र करते करते भावुक हो जाती है, जबकि वो ये बात समझती है कि शादीशुदा महिलाओं की जिंदगी अक्सर बोरिंग हो जाती है। कूपर का दोस्त डेवोन कूपर से उसके परेशान होने का कारण पूछता है। कूपर बताता है कि उसकी और बिली की पर्सनल लाइफ सही नहीं चल रही है। वो जर्नल लिख रही है और उसमें ब्रैड और बिली की सेक्सुअल मूवमेंट का जिक्र है और पूरा जर्नल सिर्फ इसी से भरा है। वो लड़कियों को सेक्सुअली तौर पर सेटिस्फाई करने में माहिर है। शायद बिली और ब्रैड बातचीत भी करते हैं। डेवोन सिचुएशन समझता है। वो हल्का मजाकिया है। डेवोन
कूपर को उसके जवानी के दिन याद दिलाता है जब तमाम लड़कियां उस पर मरती थीं। वो उसे एक बार फिर वापस जवानी में लौटने को कहता है। कूपर शाम को डेमोन के साथ बाहर जाता है। कूपर की एक्स गर्लफ्रेंड का डाइवोर्स हो चुका है, पर कूपर उसके साथ कुछ न करने को कहता है और कहता है कि वो बिली के साथ एकदम खुश है। उसकी एक्स गर्लफ्रेंड चली जाती है। एक और लड़की जो कूपर को करीब से जानती है, पीने के बाद कूपर को घर चलने का ऑफर देती है, पर कूपर उसे ना कह देता है और अपने घर जाता है। बिली शाशा से मिलने उसके कॉलेज जाती है। शाशा को बताती है कि आखिरी रात जब ब्रैड और शाशा सेक्स कर रहे थे तब बिली ने उन्हें लाइव देखा। इसमें शाशा की गलती नहीं है, ये बात बिली जानती है, पर वो ये जाहिर करती है कि ब्रैड की यादें उसे पागल कर रही हैं। बिली की दोस्त बिली को अपने घर ले जाती है। वे उसके लिए एक गिफ्ट लाती हैं जिसे पाकर वो काफ़ी खुश हो जाती है। एक दोस्त उसे समझाने की कोशिश करती है कि शादीशुदा ज़िंदगी ऐसी ही होती है, वो सीरियस ना हो। बिली अपनी दोस्त को ब्रैड की यादों के बारे में बताती है जिनसे वो निकल नहीं पा रही है। उसी दौरान ब्रैड का कॉल बिली के पास आता है। बिली की आँखें आंसुओं से भरी हैं। वो ब्रैड से बात न करने को कहती है और कहती है कि ब्रैड उसकी शादीशुदा ज़िंदगी ख़राब ना करे। बिली अपने जर्नल में उन दिनों को लिखती है जब बिली ब्रैड के साथ शादी के सपने बुनने लगी थी। उसे लगता था कि कितनी कमाल की होगी उन दोनों की जिंदगी साथ साथ। ब्रैड ने जब उसके साथ कोइटल एलाइनमेंट में सेक्स किया था तब उसकी आत्मा जैसे ब्रैड में समा गई हो। जब कूपर ने बिली के जर्नल में ये पढ़ा तो उसने कोशिश की पर उससे नहीं हो पाया। बिली कूपर से कहती है कि वो ब्रैड के जैसा बनने की कोशिश ना करे। इस बात पर कूपर भड़क जाता है। वो जाहिर करता है कि उसने हमेशा बिली को चाहा है और किसी को नहीं। इतने काम के प्रेशर के बाद भी वो हमेशा सोचता रहा है कि कैसे वो उसे खुश रखे, पर वो ब्रैड नहीं है। बिली कहती है कि कूपर क्यों ब्रैड को इतना फोकस कर रहा है। तब वो जाहिर करता है क्योंकि शादी के इतने साल बाद भी उसकी पत्नी अपने एक्स बॉयफ्रेंड के बारे में सोच रही है। बिली कहती है कि वो ब्रैड के बारे में सोच नहीं रही है, बस अपना पुराना वक्त एक जर्नल में लिख रही है। उसका ब्रैड के साथ कोई अफेयर नहीं है, ब्रैड तो शाशा को डेट कर रहा है। जब कूपर बिली की बात का भरोसा नहीं करता तब बिली कहती है कि क्यों ना हम सब साथ में डिनर पर चलें, सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। कूपर उसके प्रस्ताव पर हामी भरता है। बिली जब डिनर और कूपर की बात शाशा से कहती है तो शाशा भड़क जाती है कि क्यों बिली कूपर और ब्रैड का आमना सामना करवाना चाहती है। उसे लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए पर वो अपने रिश्ते को और संशय में डालने वाला कदम उठा रही है। बिली ने ब्रैड के साथ बिताया अच्छा वक्त अपने जर्नल में लिखा है, वो जुल्म और हालात नहीं जिसमें ब्रैड ने उसे छोड़ा था, और उस बात के लिए शाशा बिली से काफ़ी खफा है। बिली शाशा की बात नहीं मानती और फाइनली वो ब्रैड को खाने पिलाने के लिए राजी हो जाती है। कूपर की बॉस कूपर के काम से काफ़ी खुश है। वो नैनोजेनिक्स और कैंसर के भावी इलाज और बढ़ते व्यापार पर चर्चा करते हैं। बिली अपने जर्नल में उस दौर को लिखती है जब उसने पिल्स नहीं ली थी और ब्रैड ने कहा कि अगर वो पिल्स नहीं लेगी तो उसे तकलीफ झेलनी पड़ेगी और वो भी अकेले। कहने का मतलब था कि ब्रैड उसका साथ नहीं देगा। ब्रैड के स्टेप फादर के ब्रैड पे लगाए आरोप अब उसे सही लगते हैं। वो उसे कंडोम यूज न करने के लिए कोसती है और गुस्सा होकर वहां से चली जाती है। बिली और कूपर डिनर टेबल पर ब्रैड और शाशा का इंतजार कर रहे हैं। इसी दौरान बिली काफी बनने की कोशिश करती है। तब कूपर कहता है कि वो ओवर रिएक्ट ना करे, वो अब बच्चा नहीं है, सब समझता है। ब्रैड और शाशा आते हैं। बिली दुनिया भर की बातें घुमाने की कोशिश करती है पर सच में वो दुखी है और ब्रैड ये समझता है। वो भी बिली के लिए अब उतना ही पागल है। वो बातों को घुमा फिरा कर उनके अतीत पर ले जाता है। ये सब सुनकर कूपर बौखला जाता है। कूपर ब्रैड पर गुस्सा होता है और उसे याद दिलाता है कि उसने ब्रैड को बिली से दूर रहने के लिए कहा था। बिली रोती बिलखती बाथरूम जाती है। ब्रैड भी उसके पीछे बाथरूम जाता है। कूपर शाशा पर इस बात से गुस्सा होता है कि वो भी बिली की गलती में उसका साथ दे रही है। कम से कम उसे तो कूपर के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए था। ब्रैड बाथरूम का दरवाजा बंद करता है और बिली से बात करता है। बिली उससे विनती करती है कि वो ऐसा ना करे, नहीं तो उसकी शादीशुदा जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। ब्रैड बदल गया है, वो बिली को चाहता है और वो उसे खुश देखना चाहता है, पर असल में बिली खुश नहीं है। कूपर बाथरूम का दरवाजा ठोकता है। बिली दरवाजा खोलती है। इतना प्यार देने के बाद भी उसे आज ये दिन देखना पड़ा, इस बात से वो बिली पर गुस्सा होता है और बिली को छोड़कर वहां से चला जाता है।
शाशा भी कहती है कि तुम दोनों की फैलाई गंदगी है, तुम ही साफ करो, मुझे इस पचड़े में नहीं पड़ना, और वहां से चली जाती है। बिली ब्रैड से बात नहीं करती, आधी रात का वक्त है, इसलिए ब्रैड बिली से उसे घर छोड़ने की विनती करता है। घर के दरवाजे से ही बिली ब्रैड को जाने को कह देती है। ब्रैड बिली के बच्चों को एक बार देख लेने की गुजारिश करता है। बिली उसके बदलाव से भावुक हो जाती है। बच्चों को देखकर ब्रैड की आंखें भर आती हैं। कूपर पार्टी में कई लोगों से मिलता है, सब उसके काम की बहुत तारीफ करते हैं। उसकी बॉस की तरफ कूपर का थोड़ा अट्रैक्शन दिखने लगता है। आखिर में वो अपनी बॉस के साथ बाहर जाने के लिए कैब में बैठ जाता है। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं बिली और ब्रैड अपने साथ रहने के लिए घर की शिफ्टिंग कर रहे हैं। शाशा को नहीं लगता कि बिली का ये कदम सही है और बिली ब्रैड पे भरोसा करके सही कर रही है। जब भी ब्रैड कुछ गलत करता है और बिली को छोड़कर चला जाता है तब वो रोती बिलखती है, और जब ब्रैड का मन होता है वो आकर बिली को सॉरी बोल देता है और बिली मान जाती है। बिली की हरकत शाशा पसंद नहीं करती। शाशा बिली से कहती है, ब्रैड चाहे कुछ भी कहे पर तुम्हारे बच्चों को तो हमें ही पालना है। नए घर में शिफ्ट होने के बाद ब्रैड बिली से अपना प्यार करता है और उससे वादा करता है कि वे हमेशा साथ रहेंगे। हुडसन आकर बिली को जगाता है और पूछता है कि पापा क्यों नहीं आए। बिली और कूपर जब पिछली रात मिले थे तब बिली की हरकत कूपर को भाई नहीं, इसलिए नाराज होकर वो चला गया और घर नहीं लौटा। बिली कूपर से मिलने उसके ऑफिस जाती है जहाँ कूपर अपनी बॉस के साथ बातचीत कर रहा है। कूपर बिली से बात नहीं करना चाहता पर बिली के बार बार जिद करने के कारण वो उसे कैबिन में बुलाता है। बिली उससे कहती है कि हमें सब सही करना होगा, अपने लिए ना सही पर अपने बच्चों के लिए, सब धीरे धीरे बिखर रहा है। कूपर कहता है, सब बिगड़ चुका है और इसका कारण तुम हो। अगर कोई उस रिश्ते को बचा सकता है तो वो कूपर नहीं खुद बिली ही है। इसके बाद कूपर केबिन छोड़कर चला जाता है। बिली अपने किसी पुराने दोस्त से मिलने जाती है जो कि साइकोलॉजी से वास्ता रखते हैं। उनकी असिस्टेंट बिली को बताती है कि वे क्लास ले रहे हैं, इसलिए बिली उनका इंतजार करती है और अपने बच्चों और कूपर की तस्वीर उस महिला को दिखाती है। फ्लैशबैक के दौरान हम देखते हैं बिली और शाशा होम पार्टी की तैयारियां कर रही हैं। वहाँ ब्रैड आने वाला था पर वो नहीं आया। शाशा कहती है कि वो नहीं आएगा। बाकी लोग भी पूछते हैं कि क्या ब्रैड आएगा। इस बीच सब लोग बिली के हालिया आर्टिकल के बारे में बात करते हैं जो काफ़ी फेमस हुआ। ब्रैड वहाँ आता है और बिली से कहता है कि वे दो जिस्म एक जान है, और उसे क्योंकि वे सारी मैगजीन कलेक्ट कर रहा था जिसमें बिली के आर्टिकल छपे थे। बिली जिन अंकल से मिलने आई थी वे आए हैं। बिली उन्हें बताती है कि उसकी शादी टूट रही है, वो उसे कैसे बचाए। कूपर कमाल का आदमी है और उसके जैसा आदमी उसे कभी नहीं मिलेगा। वे उसे कहते हैं कि तुम्हारी ख्वाहिश और आज़ादी तुम्हारी शादी से ज़्यादा ज़रूरी है, ऐसा उनका मानना है। बिली उस वार्तालाप के बाद ब्रैड को कॉल करती है और उसे मिलने बुलाती है। कूपर अपने प्रोजेक्ट का फाइनल ब्रीफ देता है और सबको बहुत पसंद आता है। उसकी बॉस उसे बताती है कि सबने निश्चय किया है कि कूपर अब उसकी बॉस के पार्टनर बनेंगे। कूपर और उसका दोस्त ये सुनकर खुशी में पागल हो जाते हैं। कूपर की बॉस पर्सनली उसकी तारीफ करती है, कहती है कि वो ये जीत डिजर्व करता है, उसकी लगन और मेहनत की वजह से कंपनी यहाँ तक पहुँची है। कूपर की बॉस उसे पर्सनल बातचीत के लिए अलग ले जाती है और कहती है कि अगर उसकी शादी टूटती है तो वो उसके साथ रहना चाहेगी। कूपर की बॉस कूपर से अपना प्यार जाहिर करती है पर कूपर कहता है कि उसके दो बच्चे हैं और वो नहीं चाहता कि बिली के साथ उसका रिश्ता ख़त्म हो। बिली ब्रैड से मिलती है और कहती है कि मैं सिर्फ तुमसे ये जानने आई हूँ कि वो क्या वजह है जिसने तुम्हें बदल दिया। ब्रैड कहता है कि वो अपने पिता से मिला और बिली ने उनके बारे में जो कहा था सब सही था। बिली की वजह से उसने प्यार करना सीखा सही मायने में, इसलिए वो बिली को वापस अपनी ज़िंदगी में चाहता है। कूपर देखता है घर में बिली नहीं है, वो बच्चों को संभालता है। ब्रैड उसके बाद बिली को कहीं घुमाने ले जाता है। बिली की पुरानी यादें ताज़ा हो जाती हैं। ब्रैड वो ऑर्डर करता है जो वे हमेशा किया करते थे, पर बिली कहती है उसे ये सब नहीं करना। वो बस जानने आई थी कि ब्रैड कैसे बदल गया और उसने वो जान लिया, पर ब्रैड उस पे बातों का जाल फेंकता रहता है। जब ब्रैड बिली को किस करने ही वाला होता है कूपर का मैसेज आ जाता है। बिली ब्रैड को छोड़कर घर की तरफ भागती है। घर में देखती है कूपर और बच्चे नहीं हैं। वो अपना लैपटॉप फेंक देती है जिसमें वो जर्नल लिख रही थी। घर के बाहर जाती है, देखती है कूपर बच्चों के साथ आ गया है। हुडसन बिली को बताता है कि वो नहीं थी, इसलिए उनके पापा दोनों बच्चों को बाहर घुमाने ले गए थे। बिली दोनों बच्चों को बाहों में लेती है और बिलख बिलख कर रोने लगती है।
पार्टी के बाद बिली के सारे दोस्त चले जाते हैं। बिली और ब्रैड रोमांस करते हैं। ब्रैड उदास बैठा बैठा यह सब सोच रहा है। बिली कूपर से बात करने की कोशिश करती है पर कूपर उसे भाव नहीं देता। बिली शासा को बताती है कि कूपर उससे बात ही नहीं करना चाहता। शासा कहती है उसने इस रिश्ते को बचाने की बहुत कोशिश की है और अब तुम्हारी बारी है। ब्रैड शासा के पास जाता है और कहता है कि वो बिली से बहुत प्यार करता है और शासा कैसे भी उन्हें मिलवा दे, जबकि पिछली रात ही उसने शासा के साथ सेक्स किया था। शासा कहती है कि बिली कूपर के साथ खुश है और वो अपनी मनहूस शक्ल लेकर दफा हो जाए। बिली कूपर के लिए केक बनाती है। कूपर उसे इग्नोर करके गार्डन में चला जाता है। हुडसन के पूछने पर बिली कहती है ये केक पापा के लिए है क्योंकि वो अब कंपनी में पार्टनर हो गए हैं। बिली कूपर को मनाने के लिए उसके पास जाती है। कूपर कहता है अब कुछ बचा नहीं है बात करने को, सब तुम्हारी गलती है। बिली कहती है कि कूपर हमारे बच्चे हैं और वो सिर्फ कूपर से प्यार करती है, पर कूपर को लगता है कि वो ब्रैड जैसा नहीं है, इसलिए बिली कभी भी उसके साथ खुश नहीं रहेगी। उसी दौरान कूपर का दोस्त और उसकी बीवी आ जाती है। बिली अपनी दोस्त से पूछती है कि उसे अब क्या करना चाहिए। उसकी दोस्त बताती है शादीशुदा जिंदगी जरूरी नहीं कि हमेशा बोरिंग हो, उसे इंटरेस्टिंग बनाया जा सकता है। और वो उसे कहती है कि मेरे पास शाम के लिए एक प्लान है, कूपर और तुम आ जाओ। ब्रैड के स्टूडियो में एक लड़की रिकॉर्डिंग के लिए आई है। ब्रैड रिकॉर्डिंग के दौरान बिली के ख्यालों में खो जाता है। स्क्रीन पर एक पार्टी का दृश्य आता है जिसमें बिली और ब्रैड बिली के पेरेंट्स से मिल रहे हैं। पार्टी के दौरान ब्रैड एक लड़की से मिलता है, वे शराब पीते हैं और बिली ब्रैड को उस लड़की को किस करते हुए देख लेती है। ब्रैड जब ये देखता है कि बिली ने उसकी करतूत देख ली है, वो उसे रोकने की कोशिश करता है पर बिली रोती हुई वहाँ से चली जाती है। ब्रैड उसे समझाने की कोशिश करता है कि वो उससे बहुत प्यार करता है पर बिली कहती है कि अगर ऐसा होता तो वो उसे छोड़कर कहीं और चुम्मा चाटी नहीं कर रहा होता। कूपर बिली और उसके दोनों दोस्त सब एक पार्टी में जाते हैं। ये पार्टी कुछ अजीब सी है, यहाँ कोई भी किसी के साथ जो भी करना चाहे कर सकता है। कूपर और बिली चारों तरफ घूमते हैं। उसके बाद उनका दोस्त कहता है ज्यादा मत सोचो, शुरू हो जाओ। उसके बाद एक नंगी लड़की आकर उन्हें ड्रिंक देती है। ब्रैड नई सिंगर से कहता है कि उसने एकदम वाहियात गाना गाया है। वे फिर से रिकॉर्डिंग करना शुरू करते हैं। ब्रैड उसे बताता है कि गाना ठीक है, लाख दो लाख कॉपियां भी बिक जाएंगी, पर फील मिसिंग है। ऐसा प्रतीत होता है जैसे अब ब्रैड दर्द को समझ पा रहा है क्योंकि उसकी जिंदगी से बिली गायब हो गई है। वो सिंगर उसे अपने साथ आने का ऑफर देती है और चली जाती है। बिली और ब्रैड का एक फ्लैशबैक जिसमें दिखाया जाता है कि ब्रैड भड़का हुआ है और वो बिली को अपने घर से निकाल देता है और कहता है कि मेरा बाप मेरे बारे में सही कहता था, अब मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। बिली कूपर की शर्ट धो रही है। उसी दौरान उसे ब्रैड का मैसेज आता है कि वो घर के नीचे खड़ा है। बिली उसे वहां से जाने को कहती है और ब्रैड कहता है कि वो उसे प्यार करता है। ब्रैड और बिली के शादी करने और साथ में घूमने फिरने के दृश्य से एपिसोड की शुरुआत होती है जिसमें ब्रैड कूपर के बच्चों तक की देखभाल कर रहा है। दृश्य टूटता है और ब्रैड बिली आपस में बात कर रहे हैं। ब्रैड बिली को शादी के लिए प्रपोज करता है पर बिली उसे ना कह देती है। कूपर खिड़की पे खड़े खड़े ये सब देख रहा है। ब्रैड चला जाता है। बिली उदास होकर लौट आती है। शासा हुडसन के साथ टाइम पास कर रही है। बिली कूपर के लिए ब्रेकफास्ट लेकर जाती और वो कार्ड भी जो हुडसन ने बनाया था। वे फिर से अपनी मैरिज लाइफ पे बहस करते हैं। कूपर कहता है कुछ नहीं बदलेगा, जबकि बिली सब संभालने की कोशिश करती है। इसी दौरान हुडसन आकर कूपर से कहता है कि वो बिली पर गुस्सा ना हो। बिली कहती है बेटा हम सिर्फ बात कर रहे हैं, तुम जाओ शासा के साथ खेलो। बिली शासा से कहती है कि वो सब ठीक कर देगी, कूपर बेस्ट है, उनकी शादी बेस्ट है और ये लाइफ जैसी भी है परफेक्ट है। शासा ये सुनकर खुश हो जाती है। बिली नए सिरे से अपना जर्नल लिखना शुरू करती है जिसमें वो ब्रैड का जिक्र इस बात से करती है कि उसने उसे हमेशा के लिए गुड बाय कह दिया। हुडसन के स्कूल में बिली की दोस्त हुडसन को अपने बच्चों के साथ नहीं खेलने देती और बिली उससे इस बात पे बहस करती है कि उसे एक 4 साल के बच्चे के साथ ऐसा बर्ताव नहीं करना चाहिए। कूपर की बॉस को उसका दोस्त डेमोन एक मनगढ़ंत कहानी सुनाता है। जब कूपर वहां पहुंचता है तो डेमोन अपना बिजनेस प्लान बताता है और मजबूरन कूपर को मंजूरी देनी पड़ती है, पर बाद में कूपर बॉस को सच्चाई बताता है और कहता है कि डेमोन का बिजनेस प्लान बकवास है और उस पर काम करने से कोई फायदा नहीं है। उसकी बॉस कहती है कि मजबूरन उसे कूपर और डेमोन का हादसा एचआर को बताना पड़ेगा। बिली डेमोन की पत्नी से मिलने जाती है और कहती है कि वो कूपर से दूर रहे। डेमोन की पत्नी कहती है कि अब तुम्हारा रिश्ता खत्म होने वाला है। बिली कहती है वो अपना रिश्ता बचा लेगी और वहां से चली जाती है। बिली घर पर कूपर का इंतजार करती है पर कूपर नहीं आया है। हुडसन पूछता है कि डाइवोर्स क्या होता है। बिली कहती है ये बात है उसे किसने बताई। शासा आती है, वे किसी पार्टी की तैयारियां करती हैं। कूपर ब्रैड से मिलने जाता है और ब्रैड से पूछता है कि क्या वो बिली और बच्चों का ख्याल रख लेगा।
ब्रेड कहता है हाँ, कहता है वो बिली को चाहता है, पर बिली अब कूपर को चाहती है, वो पहले वाली बिली नहीं रही। कूपर वहां से चला जाता है। पार्टी में बिली की दोस्त कूपर के पार्टी में न आने पर उसे खरी खोटी सुनाती है। उसी दौरान वहां कूपर आता है और वो कहता है कि उनका रिश्ता परफेक्ट है और वे कभी अलग नहीं होंगे। डेमोन का एक बार फिर कूपर से झगड़ा होता है। पार्टी से निकलकर बिली और कूपर बैठकर बातें करते हैं और वादा करते हैं कि वे साथ रहेंगे। बिली खुश हो जाती है। कूपर कहता है कि अब उसकी नौकरी चली जाएगी क्योंकि डेमोन उसके खिलाफ एचआर को बोलेगा और वे उसे नौकरी से निकाल देंगे। बिली वापस अपनी नौकरी शुरू करती है। शासा बिली को देखकर खुश हो जाती है कि उसने नौकरी शुरू कर दी। बिली की दोस्त उसे आकर सॉरी कहती है अपने बर्ताव के लिए। डेमोन भी कूपर से हाथ मिला लेता है और कहता है जो भी हुआ उसे भूल जाते हैं और आगे बढ़ते हैं। बिली और कूपर शासा का लेक्चर सुनने जाते हैं जो कि पूर्णतः महिलाओं की आजादी पर है। वहां बिली ब्रेड को देखती है। लेक्चर के बाद शासा और बिली मिलते हैं। रात में शासा बिली को कॉल करके पूछती है कि उसे शादी करनी चाहिए या नहीं। बिली हाँ कहती है। कूपर और बिली अपने बेटे हुडसन का प्ले देखते हैं और खुश हो जाते हैं। बिली अपनी पुरानी जिंदगी याद करती है। कूपर बिली की लोकेशन ट्रेस करता है। वो ब्रेड के पास गई है और जाकर ब्रेड से कहती है कि मुझे प्यार करो।